मैं संजय गोस्वामी आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ। साथियों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है फिटनेस थीम बाय संजय गोस्वामी, तो आज फिटनेस थीम का जो थीम रहेगा वो रहेगा चेस्ट। जो चेस्ट का जो एक पार्ट होता है, ये एक बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और युवा वर्ग विशेष रूप से इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होता है अगर और चेस्ट बनाने की कोशिश करता है। चेस्ट एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो आपको जल्दी डेवलप होता है किसी भी बॉडी के पार्ट की तुलना में। तो आज हम आपको बताएंगे कि चेस्ट की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, जैसे पुशअप होती है, डिप्स वगैरह होते हैं, उसमें कई सारी वैरायटी होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कि जो बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस एक मारते हुए आदमी आनंद का अनुभूति करता है, बड़ी इजीली मारता है, बड़े शौक के अंदर मारता, काफ़ी सेट मारता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेंच प्रेस हम मारते हैं तो उसके चेस्ट पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। तो बेंच प्रेस होती तीन तरह की, एक तो फ्लैट बेंच प्रेस जिसमें कितना टेबल फ्लैट आप देख के मार सकते हैं आप, दूसरी में होता है ये इंक्लाइंड जिसके अंदर की आपको एक कोई बेंच होती है उसका अपर पोर्शन ऊपर की तरफ होता है, उस पर हम बैठते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो बॉडी का लोअर पोर्शन होता है वो नीचे की ओर होता है, जो अपर पोर्शन होता है वो यहाँ होता है, हाथों के बीच में वेट होता है और ये वेट यहाँ जाता है। इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि जो हम वेट लेते हैं वो चेस्ट के यहाँ आना चाहिए, मतलब कि जो चेस्ट का के तीन पार्ट होते हैं, पहला अपर, दूसरा मिडल और तीसरा लोअर। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण इसके अंग है चेस्ट के। तो इसके अंदर आज हम बताएंगे आपको कि फ्लैट बेंच प्रेस के बाद इंक्लाइंड बेंच प्रेस कैसे मारी जाए। तो साथियों, आज हम ये बता सकते हैं कि ये उनके लिए एक्सरसाइज है कि हम घर पर भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना किसी वेट के, जो हमारे पास वेट नहीं है रेडीमेड जो जिम के अंदर होता है, या कोई ऐसी बार हो या कोई रोड हो लोहे की जो जिम के अंदर अवेलेबल होती है, घर पर अवेलेबल नहीं होती, कोई बात नहीं, हम वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। कि हर आज के दिनचर्या, आज की दौड़ के अंदर आदमी व्यस्त है, तो हम घर पर ये इंक्लाइंड बेंच प्रेस कैसे मारे। इसके अंदर हम छः सेट मारेंगे, छः सेट के अंदर वो आठ या दस रेपिटेशन होंगे। तो इसके अंदर हम अपने घर के अंदर से कहीं से भी ईंटें ले सकते हैं, ईंटें ले लो आप, और एक घर में कोई डंडा ले लो, डंडा इजीली मिल जाता है, डंडा से बम्बू भी कहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं अपना। उसके लिए आप रस्सी से लेकर ये इस तरीके से आप ईंटें बांध सकते हैं, चार इधर या तीन इधर, तीन इधर या दो इधर, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसको हम ये लेकर इस तरीके से अपनी कोई बेंच लेंगे, उसके बाद हम घर में जाके इस तरीके से बना कर बैठेंगे और इसको ये इसको आराम से तरीके हम बैठ सकते हैं, ये बॉडी को धीरे धीरे लेकर जाएंगे और ये यहाँ पर रखेंगे। इसके अंदर ये है कि अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट लेने वाला नहीं है तो ये अंगूठे भारी ओर रहेंगे, इस तरह से आप लेंगे वेट को, और आप हर सेट के अंदर आप जो है 10-12 सेट निकालेंगे। लेकिन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन सेट के अंदर ये वेट इधर रहेगा, अगले तीन सेट के अंदर ये वेट इधर आ जाएगा, क्योंकि ईंटों का वजन या डंडे का वजन कम या ज़्यादा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई ईंट पुरानी होती है, कोई ईंट नई होती है उसके लिए। जैसे कि हम दिखाएंगे आपको इस सेट के अंदर